हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप पहुंची हूं आप सभी की प्यारी मेहर यानी कि शीना बजाज के मेकअप रूम के पास में, जहां पर आज वो अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही हैं। और मैं आप सभी को लेकर आई हूं उनके मेकअप रूम के पास। उनके मेकअप रूम में चलते हैं, उन्हें देखते हैं कि कैसे शीना अपने लुक में ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो बिल्कुल देर ना करते हुए आपको अंदर ले चलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटी जो है यहाँ पर बिल्कुल रेडी है अपने एंगेजमेंट वाले लुक में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि मेरा एंगेजमेंट वाला लुक होगा। और वेलकम टू माय मेकअप रूम। और अभी मैं फटाफट तैयार होंगी और आपसे मिलूंगी मेहर के लुक में। अच्छा, हमने यहाँ पर देखा है ब्राइडल लुक जो है यहाँ पर पूरी तरह से गोल्डन गाउन जो है यहाँ पर पूरा रेडी है आपका। थोड़ा सा ड्रेस के बारे में बता दे। ये ड्रेस बहुत ही हैवी वर्क वाली ड्रेस है और ये ड्रेस काफी भारी है और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत एक्सेसरीज हैं जो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। सो बेसिकली बहुत सिंपल है मेहर, तो उसका वैसा ही लुक रखा हुआ है। जैसे ये ईयर कफ्स हैं जो लगेंगे, तो ये मेहर का लुक है। और ये एक सुंदर सा खूबसूरत सा डेलिकेट एंड स्वीट ब्रेसलेट है। और ये है मेरे लुक में फिलहाल। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अब मैं होंगी तैयार और मिलूंगी आपसे मेहर के लुक में। तो ये तो था ट्रेलर जो आपने अभी देखा है। अब पूरी पिक्चर जो है वो हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। तो लेट हर स्टार्ट। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी पूरी टीम मौजूद है। ये है सूरज, ये है सोनी, गुड मॉर्निंग, ये है रेनू दी, और ये है हमारे मेन कंपनी के दादा। दादा कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। अच्छा, आप लोगों से ये जरूर जानना चाहेंगे कि शीना मेकअप रेडी होने के टाइम पर कितना आप लोगों को परेशान करती है या बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है, थोड़ा सा शीना के बारे में? नहीं, बहुत हिलती है। आप लोगों की कोई कंप्लेंट? सूरज, बिल्कुल नहीं। मेरे से तो बहुत मस्ती, हम लोग सेट पे भी रहते हैं और मेकअप रूम में जब मॉर्निंग में आते हैं तो मेरे से तो चिल्लाते रहते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपकी सुनहरी परी यानी कि शीना बजाज जो है पूरी तरह से मेहर बन चुकी है और आप देख सकते हैं पूरी सुनहरी परी नजर आ रही है। सबसे पहले तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है शीना। थैंक यू सो मच। एंड थोड़ा सा आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही गोल्डन सा लुक दिया गया है आपको। ये जो ड्रेस है वो स्पेशली अनिर्बान ने मेरे लिए बनाई है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत आउटफिट है जो स्टिच किया गया है एक रेफरेंस लुक को देख के। सो दिस इज अ नाइस गोल्डन गाउन विद अ प्रिटी सारी ड्रेप एंड इट हैज अ ब्यूटिफुल बेल्ट विद गुड वर्क। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज बीइंग अ ब्राइडल काइंड ऑफ अ लुक ऑल्सो, इट्स वेरी सिंपल विच वी डोंट सी अदरवाइज। देयर इज सो मच ज्वेलरी एंड ड्रामा इन द लुक एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली दिस आर लाइक सिंपल इयररिंग्स विच you know are so light that it's really nice, you know, you can wear this for ye earrings jo hai itni light hai to isme koi problem hi nahi hoti, to bahut acha hai ki itne heavy look ke sath, kyunki jab aapka costume itna bhari ho, itna weight ho is costume ka, jaise ye kafi zyada bhari hai, literally mujhe weight iska lagta hai because pura can laga hua hai andar एंड हर जगह से ये आउटफिट चुभ रहा है। और बहुत ही काफ़ी वैसे तो अनकम्फर्टेबल है बट खूबसूरत लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो यू नो जब लोग देखते हैं ना कि कितने सुंदर लग रहे हैं हम और कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम, तो वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे कितना कुछ हो रहा है क्योंकि इतनी पिंस लग रही हैं, इतना यू नो ग्लिटर आईज में जा रहा है, ये पूरी ड्रेस चुभ रही है और सारी चीजें। बट स्टिल
for you guys, for my fans, this is the look that I wanted to show you. And it's very elegant, it's very pretty, it's very simple and classy. And I just love the feel of this gown. अच्छा हमने देखा शीना यहाँ पर तीन तीन लोग लगे थे आपको रेडी करवाने में, मतलब तीन मेकअप आर्टिस्ट दो हेयर ड्रेसर्स. कितना कितना अगर मैं टाइम जानना चाहूँ तो कितना टाइम लगता है आपको रेडी? आई थिंक मेहर का जो परमानेंट लुक है ना उसे लगते हैं आई थिंक मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स. और क्योंकि मेहर के जो बाल बनते हैं स्ट्रेट सिंपल हेयर स्टाइल दैट इज ऑलरेडी डन एंड सॉर्टेड, सो मोर देन 10 to 15 मिनट्स नहीं लगता नॉर्मल लुक के लिए. बट ये लुक के लिए आई थिंक 45 मिनट्स लगे हैं बिकॉज एवरी वन वॉज देयर द होल टीम. बिकॉज हमें बोला गया था कि मुझे बहुत अच्छा लगना है, कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ पिक्चर्स थे जो चैनल स्टार प्लस की तरफ से हमें दिखाए गए कि ऐसा ही करना है मेरा लुक. तो इसलिए सारे लोग लगे हुए थे आज के ये लुक करना है, तो मतलब यू नो दे वर ऑल एक्साइटेड. सो या दिस इज द फर्स्ट चेंज फॉर मी फ्रॉम द रेगुलर एक्सट्रीमली सिंपल और यू नो वो लुक से. ये फर्स्ट लुक है विच इज यू नो ब्राइडल, तो एक्सक्लूसिवली मैं ये E24 के साथ कर रही हूँ और पूजा के साथ. तो अगर मैं शीना जानना चाहूँ कि फैंस को जाते जाते अब क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना रिलेट करती हैं अपने आप को मेहर से, और अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना ज्यादा प्यार देते हैं मेहर को भी शीना को भी? जी अभी तो मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है अपने फैंस का, मतलब वो इतने खुश हैं मेहर को देख के. मतलब मुझे लगा नहीं था कि पीपल विल एक्सेप्ट मी एज मेहर बिकॉज आई हैव नेवर डन अ कैरेक्टर लाइक दैट विच इज सो ओपिनियनेटेड स्ट्रांग फर्म एंड यू नो कंपोज्ड एट द सेम टाइम एंड वेरी वेरी मच्योर. मतलब उसकी मच्योरिटी उसके परफॉर्मेंस में दिखती है. तो वो कहीं ना कहीं करने के लिए मुझे ऐसा शायद लगा नहीं था कि एवरी वन इज गोना एक्सेप्ट मी फ्रॉम दैट लाउड एंड वाइब्रेंट चिक टू बींग अ कंपोज्ड पर्सन विद स्ट्रांग आइडियोलॉजीज एंड शी ऑलवेज फॉलोज देम. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे फैंस ने मुझे एक्सेप्ट किया और थैंक यू सो मच. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए प्लीज़ हमारा शो जो आता है मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM स्टार प्लस पे, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हमारा शो नंबर वन पे जाए. ये काफ़ी हट के एक शो है जो बहुत ही समझदार लोगों ने एक साथ जोड़ा है, जो बहुत सारे लोगों ने प्यार से एक कॉन्सेप्ट बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो देखो. वेल थैंक यू सो मच शीना हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि फैंस ने अब तक जैसा आपको जितना प्यार दिया है वो प्यार जो है वो आगे भी देते रहेंगे. कैमरा मैन नवीन पांडे के साथ पूजा तिवारी, E24.